ये फिल्म इससे बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद फिल्म की है अभी ये। मैंने काफ़ी सालों बाद ये फिल्म की है। मैंने एक फिल्म की थी लफड़ा, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस फिल्म की। उसके बाद मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, बीच में काफ़ी गैप आया। फिर अभी 2012 में एक फिल्म की मैंने, डर्टी रिलेशन नाम से, वो फिल्म का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, तो मैंने सोचा चलो अभी एक और फिल्म की जाए। और आजकल स्मॉल बजट फिल्मों का दौर फिर से आया है, क्योंकि हाई बजट फिल्में बहुत सारी नहीं बन रही हैं, तो थिएटर में तो फिल्में चाहिए, तो वही हिसाब से अच्छे सब्जेक्ट्स स्मॉल बजट में, अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छे सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो वही मैंने ये फिल्म। इस फिल्म में आपने पुत्री को लॉन्च किया है, वो काफ़ी अच्छी सिंगर भी है। हाँ, मेरी बेटी इस फिल्म की हीरोइन है, वो एक्चुअली सिंगर है वो, और बहुत इवेंट्स करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड इवेंट्स कर चुकी है, मीका और सुखविंदर सिंह के साथ काफ़ी इवेंट्स किए, अभी इंडिपेंडेंट कर रही है, तो मुझे लगा कि वो अच्छी एक्ट्रेस भी है, तो मैंने उसको लेके ये फिल्म शुरू कर दिया। सर, आजकल इस तरह की फिल्मों का कितनी मार्केट है, अगर बात करें? मार्केट तो अभी, मैंने ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 11 मार्च को, तो ये फिल्म जब चलेगी तो मार्केट पता चलेगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा वर्कआउट करेगी, ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। टाइटल की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? टाइटल के बारे में, मैंने फिल्म का टाइटल डर्टी बॉस रखा, तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने टाइटल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिल्म के कंटेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने तारीफ़ की कि ये फिल्म आपको दो पैसे दे के जाएगी, अच्छी फिल्म बनाई है। इवन देन, जब मैंने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब पर डाला, तो उन्होंने इस कंटेंट को और इस टाइटल को अप्रूव नहीं किया प्रमोशन के लिए, हालांकि यूट्यूब पर है ये फिल्म, इसका ट्रेलर जो है वो अपलोड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रमोट करने के लिए मना कर दिया। मैं प्रमोट करने के लिए पैसे देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिल्म का टाइटल चेंज कीजिए। मैं फिल्म का टाइटल कैसे चेंज करूं जब सेंसर बोर्ड ने पास किया है, सेंसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैसे इसको 18 प्लस में डालिए, आप उसमें करिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आई डोंट नो, मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा है कि यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया कि लोग, मैंने तो ऐसा भी सुना, कुछ मल्टीप्लेक्स वाले भी ये कह रहे हैं कि नहीं, डर्टी बॉस टाइटल डर्टी है, अच्छा नहीं है, तो मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म नहीं दे सकते हो, मल्टीप्लेक्स डर्टी पिक्चर को दे सकते हो, डर्टी बॉस को नहीं दोगे, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन फिर भी आप मीडिया वाले हैं, आप फिल्म देखिए और लोगों को बताइए कि फिल्म डर्टी है या कैसी है, अच्छी है या बुरी है, आप बताइए उनके। सर, बात करें, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस फिल्म के लिए कुछ खास तबका ये वही देखेगा इस फिल्म को, जैसे टाइटल की बात है, फैमिली वाले अंदर एंट्री नहीं करेंगे कि ये एडल्ट मूवी होगी, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पाएंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, आप बच्चे ले जाके, क्योंकि एडल्ट फिल्म है ये, लेकिन आप कपल जाके देख सकते हैं और 18 प्लस लोग देख ही सकते हैं इस फिल्म को, और इसमें ऐसा वल्गर कुछ भी नहीं है, कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है इसमें वल्गर, लेकिन एडल्ट कंटेंट एडल्ट है। पोस्टर पूरी फिल्म का ब्याह करता है, पोस्टर की बात करें, पोस्टर देखकर ही लोग सिनेमा घर तक पहुंचते हैं प्रोमो के ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ, इतना भड़काऊ बनाया है, बिल्कुल सेक्सी बनाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मेरा पोस्टर ही मतलब लोगों को बताएगा कि मेरी फिल्म की कहानी क्या है। इसमें कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं है कि जिसका चेहरा देख के लोग कहें ये फिल्म देखनी है, तो मेरा पोस्टर बताएगा कि ये कहानी क्या है इसमें, ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इस तरह का कंटेंट जो देखना चाहेंगे डेफिनेटली वो आएंगे इस फिल्म देखने। रियलिटी है, रियलिटी ऐसा होता है? बिल्कुल, ये इसीलिए तो देखो, कहानी यहीं से मिलती है मुझे, इसी समाज से कहानी मिलती है, मैं कोई ये बाहर के एलियंस की कहानी तो नहीं है, तो यहीं से कहानी ली गई है, जो देखता हूँ मैं वैसे मैंने इस फिल्म दिखाया। अनुपम खेर या उनके भाई हैं, बहुत ही चुनिंदा फिल्में करते हैं, और काफ़ी आर्ट मूवी हो, कोई भी हो, अनुपम खेर का एक नाम है, तो आपने उनके ब्रदर को लिया है, ऐसे कुछ खास वजह? मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, ओ नो टाइटल था उस फिल्म का, ओ नो, तो वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म बन नहीं पाई, तो उसी दौरान मतलब मेरी मुलाकात इनसे, इनके साथ ही काम कर रहा था, तो इनको ये सब्जेक्ट मैंने सुनाया, इनको बहुत पसंद आया, बोले करना चाहिए तो सब्जेक्ट, तो मैंने डिसाइड किया चलो ये सब्जेक्ट करते हैं, और अपनी बेटी को लेके लॉन्च किया मैंने। कैसी केमिस्ट्री है? कमाल की, कमाल की, मतलब ये सब वंडरफुल पर्सन, बहुत मजा आया। डेफिनेटली वो तो उनके भाई हैं, तो वो तो दिखाई देगा ही,
फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा हैं। देखो मैंने कहते हैं ना, जब कोई फिल्म रिलीज़ करता है तो प्रे करता है, ऊपर वाले को प्रे करता है। मैंने ऊपर वाले को प्रे नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है फिल्म चलाएगा तो इस फिल्म को, मीडिया जब लोगों को बताएगा तो ये चलेगी। ऊपर वाला फिल्में चलाने का काम नहीं करता तो ये तो मीडिया का काम है कि लोगों तक तो इस चीज़ को पहुँचाए। और ये चीज़ क्या है, अब जैसे बहुत से लोगों को बुलाया, मेरे जो पी आर ओ हैं उन्होंने बहुत से मीडिया पर्सन को बुलाया, तो कुछ मीडिया पर्सन ने ऐसा भी कहा इनको कि हम स्मॉल बजट फिल्मों को रिव्यू नहीं करते। तो ये बड़े बड़े अफसोस की बात है। फिल्म तो जो चलती है, जो लोग पसंद करते हैं, वो फिल्म बड़ी होती है। स्टोरी टू, स्टोरी थ्री ऐसे फिल्में चल सकती है टाइटल से, तो आपने मैंने टाइटल से, टाइटल के अलावा फिल्म भी अच्छी थी, हेड स्टोरी या जो भी ये फिल्में चली हैं स्मॉल बजट, तो फिल्म में कुछ होगा तो ही चलती है, नहीं तो नहीं चलती। सिर्फ टाइटल थोड़ी फिल्म चलाता है। म्यूजिक की बात करें, कितना किस तरह गाने हैं या फिर? एक ही गाना है इस फिल्म में। हालांकि मेरी बेटी सिंगर है तो मुझे कई लोगों ने कहा यार एक ही गाना रखा है आपने, आपकी फिल्म में तो दो चार गाने उनके होने चाहिए थे। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का जो फ्लो है वो टूटता है अननेसेसरी। जब भी सॉन्ग आता है फिल्म का फ्लो टूटना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपके जहन में आया कि बेटी को लॉन्च कर रहे हैं पहली बार ऐसी फिल्म से लॉन्च कर रहे हैं कि मार्केट खराब, या फिर लोग सोचे कि नहीं सिगरेट की हीरोइन है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया? नहीं, सिगरेट कैसे, मैं नहीं, ऐसा नहीं लगा कि ये फिल्म जो एडल्ट मूवी है कि इसके दिल से शुरुआत नहीं। एडल्ट, एडल्ट होना, एडल्ट लड़की ने काम किया, किसी बच्चे ने काम नहीं किया। एडल्ट फिल्म में काम किया तो कोई बुराई नहीं है, जो काम है काम तो काम है, चाहे कैसा भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मैं मीडिया से स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको टीवी पे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकूँ। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अच्छी फिल्म बनी है, आप इसको लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग देखें और आप भी देखिए। आज प्रेस शो है तो आप भी इसमें देखिए। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। जैसे अनुपम के साहब को मैं, हम लोगों ने देखा है, वैसे उनके भाई भी टैलेंटेड हैं और बहुत मज़ा आया। आज की मार्केट कितनी है ऐसी फिल्मों की, जैसे कॉमेडी है, काफ़ी अच्छा कॉमेडी सीन है इसमें, हर इंसान कॉमेडी देखना चाहता है क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी टेंशन है, इसी लोग कॉमेडी देख करके रिलैक्स होना चाहते हैं, इसी उनके लिए अच्छा ही मौका है। आप आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग की नज़र से कितना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी लगी फिल्म। आर्टिस्ट तो नहीं है जो डायना का की भूमिका निभाई है उन्होंने, लेकिन इनको राजू खेर इनका नाम है, इनको कौन नहीं जानता। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस मूवी पर बात करें तो? 10 में से 8 जरूर दूंगी। थैंक यू। ओके थैंक्स। मूवी कैसी लगी आपको? डर्टी बॉस सही में डर्टी बॉस है, और ऐसी जैसा कि डायरेक्टर ने कुछ बयान दिया था कि सेंसर में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन इस प्रोमो को काफ़ी जगह चलाया नहीं जाता था कि डर्टी पिक्चर है। डर्टी 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 की तरह कुछ नहीं है इस फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है और अभी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और हमारे नवयुवक लोगों को काफ़ी अच्छी लगी ये फिल्म। एक्टिंग में बहुत हमारे डायरेक्टर साहब की पुत्री इस फिल्म से फर्स्ट बार लॉन्च हुई है और उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है, डांस भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म से बहुत उम्मीद है उनको और हम लोग उनको बहुत शुभकामनाएं देंगे इस फिल्म को लेके। थैंक यू। आपका नाम? गीतू। गीतू, बात करें इस फिल्म में आपने क्या, किस तरह किरदार है और आज की स्क्रीनिंग रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा एक कैरेक्टर है, वैसे तो कैरेक्टर मेड का है, लेकिन ये वैसे वाली मेड नहीं है जैसे हम घर में देखते हैं सफाई करती है, बहुत ही ज़्यादा हॉट सेक्सी है और बहुत कोशिश करती है कि जो उसके मालिक हैं कुछ हो जाए कभी उसके साथ। तो बहुत टाइम लगा था इस कैरेक्टर में आने के लिए, क्योंकि कोई एक लिमिटेशन नहीं है इस कैरेक्टर को निभाने के लिए, बस जितना ज़्यादा आप नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितना एंजॉय किया आपने इस रोल में? मैंने बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि जो कैरेक्टर था स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन केसर जी हैं और राजू खेर जी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी बताया कि कैसे करना चाहिए और बस एंजॉय किया अपनी टीम के साथ। ऐसे अभी मैं जब मूवी देख रही हूँ तो ऐसा वो सीन सारे याद आ रहे हैं जो हम शॉट करते थे कि ऐसा होता था वैसा होता था, तो जस्ट एंजॉयिंग। आपके साथ में
कलाकार कौन कौन थे कास्टिंग की अगर बात करें? कास्टिंग की, कास्टिंग में तो आई थिंक ये बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी रही है कि कैसे मैं इस मूवी के अंदर आई, क्योंकि मैं केसर जी को जानती नहीं थी, मैं किसी एक डायरेक्टर को जानती थी जो पंजाबी डायरेक्टर है, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस केसर जी को दिया था। और मुझे आज भी याद है जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी तो कोई मेकअप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस ऐसे ही कहीं से आई थी और बहुत थकी हुई थी, कोई कैमरा भी नहीं था, और सर ने कहा था कि बस कुछ मुझे इम्प्रोवाइज करके दिखा दीजिए, और बस दिखा दी और उन्हें पसंद आया। थोड़ा डिले हुआ मूवी में ज़रूर 2-3 महीने, लेकिन आई थिंक सर को बहुत ट्रस्ट था मुझ पर कि मैं कैरेक्टर कर सकती हूँ। कल्याणी जी हैं जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर कर रही हैं, जो मेरी मालकिन है, और राजू खेर जी हैं जो मालिक बने हैं, और जो डायना है शी इज़ केसर सर डॉटर जसलीन, और उनके साथ काम करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया था। हाँ, क्योंकि नाम डर्टी बॉस है तो लोगों को लगता है कि डर्टी है और कितनी वल्गैरिटी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, इज़ अ फैमिली एंटरटेनर और कॉमेडी है, और मेरी ये पहली कॉमेडी मूवी है, मैंने इससे पहले किया है बट कॉमेडी कभी नहीं की। हाँ, तो शुरुआत में थोड़ा सा नर्वस थी कि कैसे कॉमेडी होगी, लेकिन आई थिंक सर ने इतना कम्फर्टेबल कराया था और हमारी काफ़ी वर्कशॉप्स हुई थी, तो आई थिंक उससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था। ट्रेंड हाँ बना है, लेकिन वल्गैरिटी के साथ एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप क्या सेंस ऑडियंस को देना चाहते हैं, कि एक कॉमेडी हो जो फैमिली के साथ देखा जाए। ये जो आपने मूवी के नाम बताए क्या कूल है हम, आई नो इट्स अ ब्रांड मूवी, इट्स ब्रांडेड, तो उसमें लोग जाएंगे, बट आई थिंक वल्गैरिटी इतना हाई हो जाता है कि कभी कभी हमको थोड़ा सा अजीब लगता है कि ओके, मैं मम्मा के साथ आई हूँ, मैं पापा के साथ आई हूँ, या फिर मुझे ये मूवी सिर्फ फ्रेंड्स के साथ देखनी है। बट आई एम श्योर कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये मूवी में ऐसी वल्गैरिटी नहीं है जो आप आमतौर पर दूसरी मूवीज़ में देखते हैं, बस इट्स अ कॉमेडी फैमिली इंटरटेनर एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल लाइक इट। थैंक यू सो मच। मूवी बहुत अच्छी लगी, जैसा बताया जा रहा था कि डर्टी मूवी है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, यंग को नहीं देखना चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यंग को नहीं देखना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। यंग जनरेशन को भी देखना चाहिए, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को सही तरीके से समझें तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत मज़ा आया मूवी देख के, और मूवी को देखनी चाहिए आगे भी, बहुत अच्छा लगा। इसमें कैरेक्टर एक्टिंग बहुत अच्छी है, रोल्स बहुत अच्छे हैं, सॉरी हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है इसमें। बच्चों को देखना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए, सभी लोगों को देखना चाहिए, इसमें कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं है जितना बताया जाता है। बहुत मज़ा आया देख के, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काफ़ी।